नमस्कार, जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? भूतकाल में या पास्ट में किया गया कोई कार्य या एक्शन जो कि किसी बिंदु पर समाप्त हो गया हो और वहां से जारी होने का बोध कराता हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वह कानपुर में 2 वर्ष से रह रहा था, यानी कि 2 वर्ष से रह रहा था, तो इसका सेंस निकलता है कि 2 वर्ष पहले वह और कहीं रह चुका है, यानी किसी एक बिंदु से उसका कार्य भूतकाल में जारी है, जबकि एक बिंदु पर कार उसके पहले हो चुका है। तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा, ही हैड बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 ईयर्स। तो इस टेंस की हम पहचान को समझेंगे और कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं इसमें, और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान को। तो जब भी हमें क्रिया के साथ में या वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि मिले, लेकिन ये पहचान हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है। अंतर ये होता है कि इस टेंस के वाक्य में समय दिया होता है। जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस होगा तो उसमें समय से ऐसा दिया रहता है। जैसे अभी हमने बनाया कि वह कानपुर में 2 साल से रह रहा था, तो यहाँ पर समय यानी 2 साल से और अंत में रह रहा था, तो वाक्य के अंत में रहा था और समय 2 वर्ष से इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, यानी हैड बीन, और मेन वर्ब का इसमें 4th फॉर्म यानी कि ing फॉर्म होता है। जैसे गो का 4th फॉर्म हो जाएगा गोइंग, जैसे लिव का यहाँ पर लिविंग था। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि अन्य टेंसों की तरह इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कोई चेंज नहीं होता है। जैसे वाज वर्ब में हमको वाज और वर का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, चाहे वो प्लूरल नाउन हो, या सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, कहने का आशय ऑल सब्जेक्ट्स जो भी हो, सबके साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कोई बॉन्डेशन नहीं होता है। और इसमें एक बात का और हमें ध्यान रखना होता है कि समय के लिए सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय या बिंदु के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो यानी समय की एक अवधि हो तो उसके लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं। अब जैसे काउंट के साथ में कोई टाइम दिया हो 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 साल से, 4 साल से, 5 महीने से, तो इस प्रकार से जब भी हमें कोई टाइम मिले या लंबे समय से, तो हम इसके लिए 4 का प्रयोग करते हैं। और जब हमें निश्चित समय दिया होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, जैसे 2 बजे से, तो घड़ी में 2 फिक्स बजते हैं, तो ऐसे समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सुबह से, शाम से, बचपन से, बुढ़ापे से, तो एक निश्चित चीज़ें होती हैं, तो इनके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्ट्रक्चर वाइज और सेंटेंस वाइज उदाहरण सहित यहाँ पर समझेंगे। तो पहला हम लेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस को।
अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स सब्जेक्ट से आरंभ होती है। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म को रखेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और टाइम और कम्प्लीमेंट का उपयोग करेंगे। कम्प्लीमेंट के स्थान पर हम अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं, जैसे वह सोमवार से विद्यालय जा रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो यहाँ सोमवार एक निश्चित दिन है इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसके स्थान पर यदि ऐसा कह दिया जाता कि वह दो दिन से विद्यालय जा रहा है तो यहाँ ट्रांसलेशन होता ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज। तो यहाँ टू डेज यानी कि एक पीरियड है, कौन से डेज हैं ये निश्चित नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो इसकी सिंटेक्स या स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हैड और बीन के मध्य में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वे लंबे समय से विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो स्ट्रक्चर के अनुसार इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसी प्रकार से हम और भी नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं जैसा कि हम पिछले टेंसेज में बताते आए हैं। तो एक प्रकार होता है यस नो आंसर टाइप। तो यस नो आंसर टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हैड बीन को एक साथ नहीं लिखेंगे, बीन को हम अलग रखते हैं और हैड को हम वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट और इसके बाद में बीन लगाएंगे और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम एंड अदर वर्ड्स, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना हम ध्यान रखेंगे। क्या मोहन सुबह से विद्यालय जा रहा था? तो क्या से ऐसे वाक्य आरंभ होते हैं? तो सबसे पहले हम हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखेंगे। तो हैड मोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे हम दूसरे प्रकार के इंटेरोगेटिव को अर्थात WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि हिंदी वाक्य के अंतर्गत या हिंदी वाक्य के अंदर हमें प्रश्नवाचक शब्द जिसे ही हम WH वर्ड कहते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि, इस प्रकार से हमको वाक्य अंदर मिलते हैं और फिर उनकी अंग्रेजी को हम वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। जैसे कब के लिए व्हेन लिखेंगे, कौन के लिए हु लिखेंगे, कैसे के लिए हाउ लिखेंगे, क्यों के लिए व्हाई लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं WH वर्ड को और इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं और हेड के बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फॉर टाइम का प्रयोग करते हैं और
अदर वर्ड्स लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। अब हम देखेंगे चौथे प्रकार के सेंटेंस को। तो चौथा प्रकार यानी कि ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, किंतु साथ में ये नकारात्मक या नेगेटिव भी होता है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। एक होता है हमारा यस नो आंसर टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव, और एक होता है WH वर्ड टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम पहला लेंगे यस नो आंसर टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तो इसकी सिंटैक्स जैसा कि हमने इंटरोगेटिव की सिंटैक्स को बनाया था, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में हम बीन लिखेंगे, और फिर हम वर्ब का 4th फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम और कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह 1990 से आगरा में नहीं रह रही थी, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि हैड सी नॉट बीन लिविंग इन आगरा सिंस 1990। तो यहाँ 1990 ये हमारा फिक्स टाइम है, इसलिए इसके पहले यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। अब हम WH वर्ड टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को यहाँ लिखते हैं। तो इसकी सिंटैक्स WH वर्ड से आरंभ हो जाएगी, और यस नो आंसर टाइप की जो सिंटैक्स अभी लिखी गई है सेम हम उसी को ही लिखेंगे। जैसे हैड के पहले हम WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे, तो WH वर्ड प्लस हैड और प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट, और नॉट के बाद में हम बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का 4th फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 और टाइम प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के लिए तुम 3 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर नहीं और क्यों इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा Why had you not been going to school for days। इसके अलावा कभी कभी इस टेंस में हमें वाक ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे प्रकार के भी देखने को मिल जाते हैं, तो उनको भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत ही ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन भले ही इसमें समय नहीं दिया होता है, तब भी हम हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं और वर्ब का 4th फॉर्म का उपयोग करते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता रहा था, तो इसको हम लिखेंगे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। जैसे शिक्षक पढ़ाता रहा था, तो टीचर हैड बीन टीचिंग। वह 2 घंटे से नाचती रही थी, तो सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से भी हमें सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आ गया होगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, और अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।